हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल एजुकेशन का क्या रिलेशन है जनरल एजुकेशन के साथ देखिए जब आपको कोई भी कोर्स पढ़ाया जाता है तो साथ में फ़िजिकल एजुकेशन आजकल मोस्ट ऑफ़ द कोर्सेज में इंक्लूडेड होता है ठीक है स्कूल लेवल पे ये होता है अगर आप बीएड में ये पढ़ रहे हैं बी में ये इन्वॉल्व है एम में इन्वॉल्व है और बाकी के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिसमें इसको एड किया जाता है तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ना जनरल एजुकेशन के साथ अगर फिजिकल एजुकेशन को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना दिया गया है ठीक है द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एजुकेशन एंड जनरल एजुकेशन इज मल्टीफेसिटेड एंड कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम वेरियस परस्पेक्टिव यानी कि इनका जो रिलेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा जैसे कह सकते हो अलग अलग तरीके से रिलेटेड है ये अब उसको कैसे हम मानेंगे कि वो रिलेटेड है वो अभी समझना है सबसे पहले है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट सबसे पहले मतलब जनरल एजुकेशन एम्स टू नर्चर स्टूडेंट्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल सोशल इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट

अगर आप जनरल एजुकेशन में ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो तो फिज़िकल एजुकेशन में ये सब चीज़ें पढ़ के आप लोग फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में मोटर स्किल्स के बारे में ओवरऑल हेल्थ के बारे में समझ जाते हैं ठीक है उसके बाद है फिज़िकल हेल्थ पीई क्लासेस हेल्प स्टूडेंट डेवलप एंड मेंटेन फिज़िकल हेल्थ एंड फ़िटनेस फिज़िकल एजुकेशन की जो क्लासेज होती हैं वो हेल्प करती हैं किसी भी स्टूडेंट्स को कि उसकी फ़िजिकल हेल्थ अच्छी रहे फिट रहे वो पर्सन एंड इस तरह से रेगुलरली जब कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज करता है तो उसका जो रिस्क होता है ना क्रॉनिक डिजीजेस का कि कोई उसको बीमारी होगी आगे जाके जैसे कि ओबैसिटी डायबिटीज़ हार्ट डिज़ीज़ ओबैसिटी मतलब वेट बहुत ज़्यादा होना ज़रूरत से ज़्यादा होना ठीक है डायबिटीज मतलब शुगर बढ़ी हुई होना डायबिटीज बहुत डीप मतलब कंसेप्ट है बट बेसिकली डायबिटीज में बॉडी के अंदर शुगर का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है एंड हर्ट डिजीज जिसका काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है किसी भी पर्सन की ओवरऑल हेल्थ पे उसके बाद है कॉग्नेटिव बेनिफिट रिसर्च हैज शोन दैट फिजिकल एक्टिविटी कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कॉग्नेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग मेमोरी अटेंशन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल and pe can enhance a student ability to focus and learn in other academic subjects isne ye bola ki jo pe hota hai theek hai yani ki agar hum baat kare physical education ki jab aap physical health ko improve karte ho na to physical health ke sath sath aapka cognitive health जो होती है उस पर भी function, उस पर भी improvement देखने को मिलता है मतलब physical health का direct असर हमारे mind पे भी होता है ठीक है पी कैन एनहैंस अ स्टूडेंट एबिलिटी टू फोकस एंड लर्न इन अदर एकेडमिक सब्जेक्ट्स क्या होता है फिजिकल एक्टिविटी की वजह से कोई भी पर्सन की ओवरऑल मेमोरी जैसे आपने सुना होगा कि आप जब भी कोई एग्जाम देते हैं ना ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स के या फिर कोई भी ऐसे जिसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है तो साथ के साथ देखोगे वो पर्सन अपनी यू नो अटेंशन स्पेन बढ़ाने के लिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी पॉजिटिवली असर डालती है हमारे माइंड के फंक्शन पर हमारी मेमोरी अटेंशन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर पी कैन एनहेंस अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू फोकस एंड लर्न इन अदर एकेडमिक सब्जेक्ट्स पी क्या करती है किसी भी स्टूडेंट्स की एबिलिटी को इम्प्रूव करती है ताकि वो फोकस अच्छे से कर सके और कई अकेडमिक सब्जेक्ट्स को लर्न कर सके फिर है सोशल स्किल्स फिजिकल एजुकेशन ऑफन इन्वॉल्व टीम वर्क कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन शियल सोशल स्किल्स देखो जब हम लोग गेम्स uh, खेलते हैं ठीक है सपोज क्रिकेट ले लेते हैं तो क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम जो कोई एक पर्सन अपने भरोसे खेल है। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आप टीम वर्क जैसे स्किल एक दूसरे के साथ कैसे कॉपरेट करना है कम्युनिकेशन सोशल स्किल्स ये सब चीजें सीखते हो आप इसमें कैसे बात करनी है कैसे मैनेज करना है स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू वर्क टुगेदर मतलब बच्चे क्या सीखते हैं कि कैसे साथ में वर्क करना है कैसे हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट कोई भी आपस में अनमन है उसको सॉल्व करना है एंड रिलेशनशिप बिल्ड करना है किसके थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स के थ्रू कैसे हम बेटर हो सकते हैं उसके अलावा है इमोशनल वेलबींग well पी कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ मतलब अगर फिजिकल एजुकेशन कोई भी पर्सन फिजिकल एक्टिविटी करता है ना तो उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है उसका स्ट्रेस रिड्यूस होता है एनजाइटी रिड्यूस होती है उसका मूड इम्प्रूव होता है सेल्फ एस्टीम उसकी अच्छी होती है एंड ओवरऑल वो जब फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होता है तो वो एक इमोशंस पे उसका अच्छा असर पड़ता ठीक है कई बार कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है ठीक है एंगर प्रॉब्लम होते हैं तो उनको क्या कहते हैं आप फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो आप अपना जो एंगर है उसको चैनलाइज कर पाओगे मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लगा पाओगे और वो एक पॉजिटिव वे में लगेगा सो तो ये आपका इमोशनल वेलबी हो गया एंड शुरू में बच्चों को जब हम ये आदत डाल देते हैं ना कि बेटा फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है आपको फिजिकल एक्टिविटीज करनी है योगा करना है मेडिटेशन करना है तो वो बच्चा लाइफ लॉन्ग वो हैबिट सीख लेता है सो फिजिकल एजुकेशन हेल्प इन स्टिल हेल्थी हैबिट्स अर्ली इन लाइफ जो स्टार्टिंग में ही शुरू हो गई वो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट एंड वेलबींग एन्श्योर करता है एंड बच्चे सीखते हैं क्या इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज एंड कैसे एक्टिव लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन अगर हम बात करें देखो यहाँ पे ये सब जो स्किल्स हैं ना ये जनरल एजुकेशन में भी चाहिए ठीक है अगर बच्चा डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट सीखेगा तो उसको जनरल एजुकेशन में भी हेल्प होगी जो कि एक फिजिकल एजुकेशन के थ्रू बच्चा सीख रहा है ठीक है तो फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस में बच्चों को डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट गोल सेट करना उसको अचीव करना ये सब सिखाया जाता है जो उसकी जनरल एजुकेशन की पढ़ाई में नॉर्मली भी बहुत हेल्प करेगा सीडेंटरी बिहेवियर एक ही जगह बैठे रहना स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा लगाना जो कि एक तरह से जनरल एजुकेशन पे भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है और फिजिकल एजुकेशन पे दोनों पे फर्क पड़ेगा दोनों को यू you नो know, एक तरह से दोनों पे बेटर दोनों को बेटर करने में मदद करेगा एंड पी से बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो जो एक सेडेंट्री रूटीन है उसको ब्रेक करके कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है उसमें एंगेज हो सके अकेडमिक परफॉर्मेंस कई स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि जिस स्कूल में या जहाँ पे फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है या फिजिकल एजुकेशन अच्छे से कराई जाती है नॉट जस्ट ए पी टी पीरियड की तरह वहाँ पे बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट इम्प्रूव होती है तो अगर आप देखें तो जनरल एजुकेशन अपने आप अच्छी हो रही है जस्ट बिकॉज फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है फिजिकल एजुकेशन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्प्रूव अकेडमिक परफॉर्मेंस बाय एनहैंसिंग स्टूडेंट ओवरऑल वेलबिंग एंड कॉग्नेटिव फंक्शन फिजिकल एजुकेशन से किसी भी बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है अगर बच्चे की ओवरऑल वेलबींग well पे ध्यान दिया जाए और उसके कॉग्नेटिव यानी माइंड से रिलेटेड सोचने समझने की क्षमता भी इंप्रूव होती है हेल्थ लिटरेसी अब एक पर्सन है ठीक है आपने देखा होगा कई सारे चैनल होते हैं यूट्यूब पर आपको हर चीज़ खाने को मना कर देते हैं हर चीज़ अपनी मर्जी से बिना किसी डिग्री के तो वो गलत नॉलेज है बट अगर आपको एक बेसिक नॉलेज होगी ना कि ये हमारे लिए सही है ये गलत है ये होता है तो ऐसी कोई भी चीज़ से आप दूर रहेंगे सो पी ई क्या करता है एजुकेट करता है स्टूडेंट्स को किसके बारे में हेल्थ एंड वेलनेस की इंपॉर्टेंस के बारे में वो एक अपॉर्चुनिटी देता है कि कोई भी पर्सन न्यूट्रिशन के बारे में सीखे एक्सरसाइज के बारे में सीखे एंड इंजरीज एंड इलनेस की प्रिवेंशन से रिलेटेड चीज़ों को सीखे ठीक है ये चीज़ समझ में आई एंड साथ के साथ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम प्रमोट करते हैं क्या इंक्लूसिविटी मतलब अब फिजिकल एजुकेशन में आप ऐसे तो डिसाइड नहीं करते ना टीम टीम आप एक बेसिकली स्किल के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो या किसी भी बेसिस पे आप सबके साथ काम कर रहे हो चाहे वो सामने वाला पर्सन आप उससे पहले बात करते थे नहीं करते थे एंड मैनी अदर फैक्टर्स तो ये चीज़ फिजिकल एजुकेशन में जो बच्चा सीखता है वो सब उसको जनरल एजुकेशन में भी यूजफुल साबित होती है आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो इसकी सारी वीडियोस हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन की प्लेलिस्ट में बी एड फर्स्ट ईयर में मिल जाएगी यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग भी प्लेलिस्ट बनी हुई है बट सिंपल अगर सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट देखनी है वो सारी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिलेगी थैंक यू सो मच